पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 31 मई को इंसदादे तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद तंबाकू नोशी के इंसानी सेहत को लाहक खतरात और उसके मुझे असरात के मुतालिक अवाम को आगाही फराहम करना और हुकूमत से मुतालबा करना था कि बजट 2024-25 में सिगरेट पर मजीद 37 से 40% टैक्स आयद किया जाए। इस हवाले से मजीद देखते हैं हारून रशीद की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी तंबाकू नोशी के आलमी दिन के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में सिगरेट नोशी के खिलाफ आगाही फराहम की गई। मुकर्रीन ने तंबाकू नोशी की तबाहकारियों को उजागर किया। वाफी हुकूमत के तर्जमान बराए कानूनी अमूर व मिंबर कौमी असम्बली अकील मलिक का कहना था कि नौजवान नस्ल में सिगरेट नोशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को सिविल सोसाइटी की जानिब से ज्यादा टैक्स लगाने का कहा जाता है। मेरा एक बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, मैं ये नहीं देखता कि कौन ऑर्गेनाइजेशन है कौन नहीं, लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं और अगर मैं एक पॉजिटिव वे में उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एंड एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई थिंक वी शुड ऑल प्ले ए सेंट्रल पार्ट इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग towards not just the betterment of our country but portraying a positive outlook to the rest of the world as well. यूथ को टारगेट करने के लिए हमारा जो बेसिक मकसद है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह प्राइवेट सेक्टर पे भी लोग काम करें दे ऑल आर हैविंग अराउंड मिलियंस ऑफ रीच। तो हमें ये चीज चाहिए कि जो आपकी मिलियंस की रीच है उस प्राइवेट सेक्टर को भी चाहिए कि आप लोग उसके खिलाफ कोई छोटी सी कैंपेन आप लगाएं, ताकि हम लोगों को सबसे पहले रोकने का मकसद ही होता है कि आप पहले एजुकेट करेंगे तो वो अगर एक बात को अंडरस्टैंड कर दिया तो वही रोक सकता है। अगर आप ऊपर से आपको नहीं बात है कि अगर आप डांट के कह देंगे ये वो चीज कह देंगे तो उससे आजकल के जमाने में चीजें नहीं चलती है। तो आपको पहले इसको एजुकेट कर रहे हैं कि भाई जान इसकी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसकी कदर से आपको ये फेस करना पड़ सकता है। डीसी जो है वो हमसे मुतालबा करता है कि जो CSR एक्टिविटीज हैं वो सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स या टोबैको कंपनीज हैं वो नहीं कर सकती। और तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि दुनिया में 28 मुल्क ऐसे हैं जिनमें CSR एक्टिविटीज बाय द टोबैको इंडस्ट्रीज आर बैन। अमेजिंग काम किया है हाशिम फाउंडेशन ने भी और उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, अब इसको पार्ट बनाया है। तो यस, टोबैको को डिस्करेज करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनसे CSR की मद में कुछ कंट्रीब्यूशन ना लें टूवर्ड्स द सोसाइटी। बट अगेन एक उसमें एस्पेक्ट ये भी है कि जहां वो इतना बिगाड़ माशरे में पैदा कर रहे हैं तो अगर थोड़ा अच्छा काम भी कर लेंगे। वेबिनार में गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सिगरेट पर मजीद टैक्स लगाए जाए। सिगरेट नोशी को नौजवान आजकल फैशन के तौर पर अपना रहे हैं जो कि लहमिया फिक्रिया है। हुकूमत को सिगरेट को मजीद महंगा करें ताकि नौजवान नस्ल की पहुंच से दूर हो। कैमरामैन रेहान सदीकी के साथ हारून रशीद, K21 न्यूज कराची। आगे बढ़ते हुए